डे स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वे आर गोइंग टू डिस्कस द इशूज़ ऑफ सेक्स एंड जेंडर जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल्स के अंदर जिक्र किया कि सेक्स और जेंडर जो हैं ये डिफरेंट एंटिटीज़ हैं सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल एंटिटी है और जेंडर जो है ये एक सोशल एंटिटी है इस सारे इन दोनों के आपस के जो डिफ्रेंसेस हैं सेक्स और जेंडर के इसकी वजह से क्या इश्यूज़ हैं जो मुशरों को फेस करने पड़ते हैं हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि इश्यूज़ ऑफ सेक्स एंड जेंडर रिफर टू द वेज इन विच जेंडर इनक्वालिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ सोशल लाइफ अब इसके पीछे जो बेसिक एजम्पन है वो ये है कि देर मस्ट बी इक्वालिटी अक्रॉस जेंडर एंड अक्रॉस बोथ सेक्सेस तो सेक्स की बुनियाद के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होनी चाहिए एक इक्वालिटी पैदा नहीं होनी चाहिए जो कि हमें सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर रोल्स के अंदर नजर आती है तो इसमें जो मेजर इशू हमें नज़र आता है वो तो ये डिस्क्रिमिनेशन और इनक्वालिटी का है इसके साथ साथ जो होता है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट ऐशूज़ को डिफरेंटली कंस्ट्रक्ट किया जाता है जैसे अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का एक इशू जो है वह हमें नज़र आता है डिफरेंट जेंडर रोल्स होने की वजह से डिसीजन मेकिंग का एक मेजर प्रॉब्लम हमें नज़र आता है इसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल वायलेंस है उसका इशू भी नज़र आता है लेकिन ये सारे इशूज़ जो हैं ट्रडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर जो मॉडर्न आइडियालॉजीज़ के मैलगमेशन है उसकी वजह से भी जो हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो ख़ासतौर तो पर जो वेस्टर्न मॉडर्न लाइफ आइडियोलॉजीज़ हैं उनका असर जो है वाज तौर पर हमें ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर नज़र आ रहा है तो सेक्स और जेंडर की इस सोशल कंस्ट्रक्शन के नतीजे में जो इश्यूज पैदा हो रहे हैं ख़ास पर वेस्टर्न सोसाइटी के वही हमें आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिफ्लेक्शन जो है वो हमें बाकी नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर भी नज़र आ रही है सो तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इश्यूज ऑफ सेक्स एंड जेंडर इंक्लूड जेंडर बेस्ड वायलेंस अन एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेमेन इन पॉलिटिक्स एंड वर्कफोर्स। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो हमें पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर मिलते हैं इसके साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसमें रिसेंट पास के अंदर ये एफर्ट्स की जा रही हैं कि जेंडर इक्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए खातानीन के लिए ज़्यादा यकसा मौक़े पैदा किए जाएँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है उसके अंदर भी जो फोकस है वो इस बात के ऊपर हो रहा है कि कैसे खुतिन के लिए ट्रांसपोर्ट को फिज़िबल बनाया जाए एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी खातान को यकसा तलीम के फिर यकसा रोजगार के मौक़े जो हैं वो किस तरह से मयसर आ सकते हैं तो इन सारी चीज़ों आ, के हवाले से मॉडर्न आइडियोलॉजी के जेर असर जो करंट आ, स्टेट्स हैं मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं वो इसको इसी अंदाज़ से लेके चल रहे हैं कि हमें अपने माशरों के अंदर जेंडर इक्वालिटी पैदा करनी है और जो जेंडर बेस्ड सोशल कंस्ट्रक्शन की बदौलत ईशोज़ पैदा हो रहे हैं उनको मिटिगेट करना है तो फूड फॉर थाट फॉर यू ये है कि आप देखें कि पाकिस्तान में जो जेंडर बेस्ड इनक्वालिटी है वो किन किन शोबों के अंदर रिफ़्लेक्ट हो रही है और उसको मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो किस तरह की पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आ रही है